भैया लेकिन सिटी ना मारे, बस इतनी कंट्रोल कर ले रहा। विश्व के शांति तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करती हूँ और विश्व रतन बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। संतों में संत महागुरु रविदास जी के चरणों में नमन करती हूँ और अपने समाज में उन सभी जन्मे महापुरुषों को एक ही भार में नमन करती हूँ। और आज बाबा साहब की जयंती में उपस्थित आप सभी हमारे माता बहन पिता भाई जितने भी उपस्थित हैं, हमारे पूरी टीम की तरफ से सादर जय भी नमो बधाई करते हैं। और साउंड सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, नहीं तो पुरुष के सम्मान में लंबे लंबे हाथों को उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा हो जाए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और हमारे संतों के संत महागुरु रविदास जी की वाणी है जो आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले शबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये आने वाले कल के बारे में सदियों पहले उन्होंने लिखा था अपने समाज के बारे में, अपने समाज के लिए, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। और आज हमारे समाज में उस समय मनु ने लिखे थे मनुस्मृति, उसमें भेदभाव कि दलित ये करेगा, क्षत्रिय वो करेगा, ब्राह्मण वो करेगा, लेकिन हमारे विश्व रतन बाबा साहब जी ने संविधान लिखे कि हम सभी मानव जाति को बराबर का हिस्सेदारी अधिकार दिए। और हमारे गुरु रविदास जी भी जो बोले थे, आज जो अमीर खाता है वही गरीब भी खाता है, जो अमीर पहनता है वही गरीब भी पहनता है, इसीलिए समानता है। तो इस समानता का देन हमारे बाबा साहब का परिश्रम, हमारे बाबा साहब का संघर्ष, हमारे बाबा साहब की कुर्बानी, जो आज हम सब इतनी आजादी से, आज हम यूपी से चल करके यहाँ पर आए हैं, ये भी हमारे बाबा साहब की देन है। अगर उनका नियम, उनका संविधान नहीं होता तो यहाँ तक हमें शायद आने नहीं देता कोई। तो इसीलिए इतना सुंदर मंच लगाए हैं आप लोग, इतना खूबसूरत व्यवस्था किए हैं। इस पूरी टीम को सागर जय भीम नमो बधाई करते हैं हम सभी यूपी वालों। और
गीत का बोल है कि भीम जी दिए बोले ना हो बाबा साहब दिए बोले ना। चाहेंगे कि आप सभी हमारे साथ झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि हमारे विश्वरत्न बाबा साहब का जन्मदिन है। किसी छोटे आदमी का नहीं, जो पूरे विश्व में जिनको लोग जानते मानते उनका जयंती हम लोग मनाने में आए ना, तो इसीलिए कहना है भीम जी दी अब ले से घूमते रहे लोग,
और रिक्वेस्ट करते रहे लोग। और भारत को संविधान देने का काम किसने किया? दलित समाज से हमारे बाबा साहब ने, ना कि बापूजी ने। वो राष्ट्रपिता थे ना, क्यों नहीं वही लिख दिए संविधान? लेकिन हमारे बाबा साहब ने लिखा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस खानदान से हैं जिन्होंने पूरे भारत को संविधान रचा है। इसीलिए चाहेंगे कि एक प्यारा से जयकारा हो जाए बाबा के सम्मान में। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आना है। हेलो 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 हमें बहुत दुख महसूस हो रहा है साउंड सर्विस को लेके। आएंगे भैया, थोड़ा सा देखिए, जो भी कुछ है हम लोग का साउंड ही है, और आपका साउंड का वॉइस बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा बस सीटी को देख लीजिए आप। कोशिश कर रहे हैं भैया, बहुत ही अच्छा इनका सर्विस सेटिंग है। देखा सुना ले भाई, जो तो समाज बैठल बा हमको लगा था भैया नहीं लड़की बंद कर देवे लोग। हेलो हेलो हाँ सही है। देखिए एक बंटवारा बा, बंटवारा ही बा तो ढेर हमनी के ना समझा है। आई माता पर बैठे नहीं लो ना, तो नहीं लो के ढेर समझा। जब हमनी के नाम पर आए ना तो चाचा भाई हमनी के समझा रहे। देखा अब तो समझ गया। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। हेलो चलो 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 गांधी जी सुभाष चंद्र बोस नहीं सकते थे, क्योंकि उस रास्ते से ब्राह्मण क्षत्रिय
आते जाते थे, इसलिए हमें हाड़ी मटका बांध के चलना पड़ता था। सोचिए कैसा वो समय रहा होगा जब 2400 घंटा काम करना भी है और हर समय झाड़ू और हाड़ी टांग के चलना पड़ता रहा होगा, उस समय का कितना कठिन। लेकिन इस जकड़ी हुई जंजीर से छुड़ाने वाले हमारे महापुरुष भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा आ जाते हैं। मिला है तो कहना है वो है बच्चियों को शादी कर दिया जाता था उनके मन के खिलाफ।
ऐसी ऐसी कुरीतियों से हम महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो किया है हम मर के भी नहीं चुका सकते उनके कर्ज को। राम जी ने सुना होगा आप लोगों ने, एक स्त्री सीता माता को उन्होंने आजाद किया था और आजाद करने के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा में डाल दिए, लेकिन हमारे बाबा साहब ने पूरे भारत देश की महिलाओं को आजाद किया। तो उस महान पुरुष की सम्मान में आई लंबे लंबे हाथों को उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा हो जाए, जय भीम जय भीम जय भीम। और कहे के बाप लोगन से रिक्वेस्ट बा, जैसे कि हम तो आज कहते हैं कोई के चल जाए, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर बाकी होके सुन के करत रखी ना, तो कहे के बाप सुनील भैया केहू मुझे काली माई के I'm gonna get you.
हाँ हाँ हाँ